ऊना जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय में वीरवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलवीर चौधरी ने की। बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं ने मिशन 2024 को लेकर तय की गई रणनीति पर चर्चा की और पार्टी द्वारा जारी किए गए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने की रणनीति तय की गई। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वोटर लिस्ट पर फोकस करते हुए हर बूथ में कार्यकर्ताओं को मुस्तैद करेगी। आज जिला ऊना भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कुछ आगामी कार्यक्रम हैं, उन आगामी कार्यक्रमों को लेकर के सभी के साथ साथ चर्चा और चर्चा के बाद 2024 का जो मिशन है उस मिशन को सफल करने हेतु चर्चा हुई है। मेरा मानना है कि 2024 में पार्टी यहां से जीत सुनिश्चित करेगी। बेशक हम पिछले चुनाव में जिला ऊना से पिछड़ गए थे, परंतु इस बार मैं इस बात का भी दावा करता हूं कि अगले 2024 के चुनाव में हम सुनिश्चित करेंगे कि जिला ऊना से जीत हासिल हो सके। और जो आगामी कार्यक्रम हमने रखे हैं उनमें पार्टी की दिशा निर्देश के अनुसार एक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने श्री वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में घर घर से लोहा इकट्ठा कर करके बनाई थी, उसी प्रकार दिल्ली में एक वार मेमोरियल बना है और मैं समझता हूं कि 75 साल की आज़ादी में पहली बार ऐसा वार मेमोरियल बना है जहां पर आम व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य से जो शहीद हुआ हो उसको वहां उसका नाम अंकित होगा और वहां वो देख करके प्रसन्न भी होगा। और उसके साथ ही एक अमृत वाटिका बनाई जा रही है। उस अमृत वाटिका में प्रत्येक बूथ से घर घर से मिट्टी उठा करके एक चुटकी मिट्टी लेकर के हम मंडल स्तर पर इकट्ठा करेंगे, मंडल स्तर से फिर हम जिला स्तर पर इकट्ठा करेंगे, फिर उसे दिल्ली में भेजा जाएगा। इसी के साथ दूसरा कार्यक्रम है हमारा वोटर समीक्षा समिति बनाई है। वोटर समीक्षा समिति हमारी 10 तक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हमने नए वोटर जो बनाने हैं उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद जो वोट कटवाने वाले वोट हैं, जो जिसकी शादी हो गई है या किसी की डेथ हो गई है, उसके दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने कोई ठीक वोट ठीक गलत एड्रेस है गलत नाम है उसको सत्यापित करने हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारा जो अंतिम कार्यक्रम है वो ये है कि हम मन की बात हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनके मुखारविंद से हम सब सुनते हैं, परंतु इसको जन जन तक पहुंचाया जाए ये पार्टी का उद्देश्य है। आज ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात किसी भी घर में इकट्ठे होकर के पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जो कार्यकारिणी है, बूथ की कार्यकारिणी है, ये सब इकट्ठे होकर के वहाँ पर सुने और सुन करके उस वहाँ पर वो फोटो लेकर के ऐप पर सरल ऐप पर चढ़ा करके वो दिल्ली में वो अपनी फ़ोटो जोड़ें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं।